हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40-45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो डे बाय डे अच्छी रहे और आप एक अच्छा करंट अफेयर से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। तो चलिए गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले हम लोग जो है कल के जो क्वेश्चन है वो करते हैं, उसके बाद में आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 6 मई है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर कवर करेंगे। ये सारे अपने लीडिंग न्यूज़पेपर एग्जाम है जिनके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 70-80% क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। अगर आप अपना डेली का 40-45 मिनट देते हो तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना सेशन रेगुलर रखो और आपकी नॉलेज जो है वो बहुत ही इमेंस हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों प्रीवियस डे के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में आज के सारे न्यूज़पेपर। आज इतिहास में क्या हुआ, एक फन फैक्ट, और साथ में आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों प्रीवियस डे के क्वेश्चन देख लेते हैं, कल मैंने आपको दिए थे। कल का पहला सवाल था, दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट है जो कि टैक्सी ड्राइवर ऑटो ड्राइवर को दोस्तों 2 महीने के लिए देने वाले हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूएस ने अप्रूव किया एक मैसिव सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कौन से स्टेट के अंदर। तो यूएस ने दोस्तों ये जो अप्रूवल दिया है वो कहां पर है, कैलिफोर्निया में दिया है ना, कैलिफोर्निया के वहां पे। वैसे नेवाडा जो है वो भी डेजर्ट एरिया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहां पे पुटेला नाच को लेकर, ये कौन से स्टेट का दोस्तों एक है ना पपेट शो है, तो ये है दोस्तों आपके आसाम का। COVID-19 को लेकर दोस्तों यहां पे जागरूकता है जो कि यहां से इसके द्वारा फैलाई गई थी, इसीलिए काफी फेमस हुआ अभी। नेक्स्ट है वरुण चक्रवर्ती, जो कि रिसेंटली पॉजिटिव हुए, कौन सी टीम के प्लेयर हैं, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली दोस्तों साइंटिस्ट ने यूरेनियम का लाइटेस्ट फॉर्म है जो कि पता किया है, उसका नाम क्या है, वह है यूरेनियम 215। तो यहां पे आपका दोस्तों बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको इंडिया में 30+ गवर्नमेंट जॉब में से एग्जाम में से कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको PDF भी मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस लीजिए, वहां पे आपसे रेफरल कोड पूछेगा तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 या फिर BHU 10 लगाइएगा, 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। कौन से एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, IIT, NEET, GATE हुआ, IES हुआ, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, चाहे कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, ओके, चाहे आपका कोई CAT का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के लिए यूज कर सकते हैं और आपको सारे टॉप टीचर की पूरे सब्जेक्ट की क्लासेस जो कि आपको मिलेगी। और अगर मेरे GK की बात की जाए तो GK के लिए दोस्तों मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक फाउंडेशन बैच, अभी ऑलरेडी चल रहा है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप SSC की कैटेगरी में आप इसको ज्वाइन करके कंप्लीट GK पढ़ सकते हैं। एक बार लाइफ में GK पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, वापस से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस, टेस्ट सीरीज सारे टॉप टीचर्स की मिल जाएगी। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ का फ्री है और मात्र 450 रुपये पर मंथ का है SSC कैटेगरी का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं जो कि आप श्रेय के द्वारा भेजा गया है। इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट, यू विल नेवर हैव इट। इफ यू डोंट आस्क, द आंसर इज ऑलवेज नो। इफ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड, यू आर ऑलवेज इन द सेम प्लेस। बिल्कुल सही बात है जो कि आप श्रेया के द्वारा बोली गई है कि अगर आपको जो चीज चाहिए उसके लिए अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, उसको लेकर अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो वो चीज आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसा सुना है कि किसी ने कुछ चाहा नहीं हो और फिर भी उसको घर पे बैठे बैठे जो है वो चीज मिल गई हो? ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि भाई ठीक है, मुकेश अंबानी के बेटे जो है वो आकाश अंबानी हो गए और उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं लाइफ में। जो भी आपको चाहिए होता है उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें हैं जो कि आपके लिए पॉसिबल हो पाती है। अगर आप जो चाहते हैं उसको लेकर अगर आप प्रेजेंट में मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक स्टेप, छोटा सा स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो यकीन मानिए
ठीक है, आपको वो चीज़ अचीव करने में बहुत टाइम लग जाएगा और शायद ना भी कर पाओ। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पसंद हो, हमेशा उसके लेकर दोस्तों जज्बा जो है वो कायम रहना चाहिए। चाहे नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी हर स्टेट के अंदर जीतने के लिए इतनी रैलीज करते हैं, शायद कोई 40-45 साल का बंदा नहीं कर पाता होगा, उतनी ज़्यादा मेहनत है जो कि इस उम्र के अंदर भी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी अलग है, वो सब अलग मैटर है, लेकिन सोचिए जो मेहनत का लेवल है वो कितना ज़बरदस्त है, है ना। तो चाहे प्रधानमंत्री को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है वापस से प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर आपको स्ट्रगल जो है वो कितना करना चाहिए और कितनी मेहनत करनी चाहिए अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे और आज सोच के चलिए कि आप जो स्टेप ले रहे हैं, आज का दिन जो जी रहे हैं, क्या वो एक स्टेप फॉरवर्ड है कि नहीं है अपने गोल को लेकर। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आज के द हिंदू को लेकर। 6th मई का द हिंदू है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों मराठा जो कोटा सिस्टम, दोस्तों आपको मालूम है, देखिए जितने भी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य के जो पॉलिटिशियन है वो क्या करते हैं, वहां के मेजॉरिटी जो भी कम्युनिटी होती है ना, उसको रिजर्वेशन का लालच देके वास्ते वोट लेने की कोशिश करते हैं और कमिटी बना के दे भी देते हैं 10%, 15%, 20%, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिजर्वेशन वैलिड नहीं होता, क्योंकि इंदिरा शॉनी केस के जो जजमेंट था उसके तहत 50% की कैप है जो कि लगा रखी है। अब जैसे कि कर्नाटका के अंदर भी 70% कर रखा है, तमिलनाडु ने भी, आंध्रा ने भी, राजस्थान ने भी, हरियाणा ने भी, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा हॉटशॉट मुद्दा था वो था मराठा का। ओके, तो महाराष्ट्र ने में जो मराठी लोग हैं उनके रिजर्वेशन को लेकर बात थी, तो यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट के एडवाइजर है, प्रिंसिपल एडवाइजर है दोस्तों, उनका नाम है, ठीक है, राघवन जी, तो उन्होंने दोस्तों COVID-19 की थर्ड वेव को लेकर बोला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड की है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो दिल्ली के लिए प्लान दिया जाए, और ठीक है आज का दिन लास्ट दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लान जो है वो सबमिट करना था। यहाँ पे रेलवे कोच इसको दोस्तों इमरजेंसी के अंदर कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे RBI ने भी दोस्तों स्टेप उठाया है हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा बेहतर बनाने को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। ममता दीदी ने दोस्तों तीसरे कंसेक्यूटिवली थर्ड CM के तौर पे शपथ है जो कि ली है, यहाँ पे तमिलनाडु की और यहाँ पे दोस्तों दिल्ली की न्यूज है। ठीक है गाइस, तो ये तीन न्यूज है, चार न्यूज है इनफैक्ट, जो कि हम तीन न्यूज है जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ममता दीदी वाले तो खैर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये तीन न्यूज है जो कि मैंने स्टार मार्क करी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट को में वेनसडे को यूनानिमसली डिक्लेयर कर दिया महाराष्ट्र के लॉ को, जिसके तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा था मराठा कम्युनिटी को, उसको क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया है और बोल दिया है 50% से ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रिजर्वेशन। ओके, तो अशोक भूषण जी दोस्तों जस्टिस थे जिनकी बेंच ने यह फैसला सुनाया कि देर इज नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन महाराष्ट्र। तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है महाराष्ट्र में मराठी लोगों को रिजर्वेशन देने को लेकर कि उस 50% की कैप को दूर किया जाए। ठीक है गाइस, उन्होंने बोला कि अगर बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों ये किसी भी कम्युनिटी को जब अप्रूवल दिया जाता है सेंट्रल लिस्ट के अंदर, तभी दोस्तों उसको क्या होता है कि रिजर्वेशन मिलता है स्पेशल कैटेगरी में, स्टेट के हाथ में ये नहीं है। ओके गाइस, तो पहले एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या हुआ था कि महाराष्ट्र ने क्या किया था कि जो मराठी कम्युनिटी है उनको 20% का रिजर्वेशन दिया था। अब ये मुद्दा चला गया हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट ने बोला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि 20% मत दो, 12 और 13% के आसपास दे दो। ठीक है, जिसमें बोला गया कि भाई 12% तो आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स में दे दो और 13% जो है वो आपके किसमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना वहां पे दे दो, समझ गए। तो ये इनके द्वारा बोला गया, अब ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोस्तों बोल दिया कि यहाँ पे ये जो फैसला है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो सेंटर गवर्नमेंट ही कर सकती है इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को लेकर। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने दोस्तों मोदी जी को चैलेंज किया
कि अपना करेज दिखाइए और मराठी को जो है वो रिजर्वेशन दिलाइए, समझ गए। तो यहाँ पे बैंगन के पेड़ के ऊपर जो है वो उद्धव ठाकरे जी के द्वारा मोदी जी को चढ़ाया जा रहा है कि भाई दिखाओ करेज मराठा को, जो है बोल रहे ना मोटिवेशन करके काम करवाते हैं कई बार, तो वैसा वाला काम करवा रहे हैं मतलब ये। हालांकि मोदी जी बहुत होशियार है, ऐसे देंगे नहीं रिजर्वेशन, लेकिन उद्धव जी ने दोस्तों मोदी जी से अपील करी है क्योंकि सेंटर ही सेंटर की लिस्ट में किसी कम्युनिटी को जो है वो डाल सकता है, समझ गए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, कोर्ट ने बोला है कि ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई SEBC, SEBC का मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सोशली और एजुकेशनली कौन बैकवर्ड क्लास है ये डिसाइड करने का फैसला सिर्फ सेंटर के पास में है और वही उनको सेंटर के लिस्ट में जो है वो डालते हैं, ऐसा दोस्तों जस्टिस रविंद्र भट्ट के द्वारा दोस्तों कहा गया है। 5 जज की द्वारा ये फैसला है जो कि सुनाया गया। अब हम लोग अक्सर इसके बारे में पढ़ते हैं कि यार ये इंदिरा शौनी केस क्या है जहां पे 50% रिजर्वेशन की बात करी गई है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। इंदिरा शौनी जजमेंट हमारे देश के वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट में से माना जाता है। तो आप देख सकते हैं 1979 के अंदर एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, मंडल कमीशन, उसको सेटअप किया गया था, जिसका टास्क क्या था कि ऐसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है उनका पता किया जाए ताकि उनको सोसाइटी में आगे लाने को लेकर रिजर्वेशन दिया जाए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, हमारे देश में जो रिजर्वेशन है 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत 10% EWS को रिजर्वेशन दिया है, वो अलग है, वो इकोनॉमिकली बेसिस के ऊपर है। अदरवाइज जो राइट नाउ हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो सोशली ग्राउंड के ऊपर है, समझ गए, वो सोशल ग्राउंड के ऊपर है। यानी कि ST SC और जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनको आगे नहीं आया जाता है, जाने दिया जाता है, या फिर उनको पास में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता, उनको बेनिफिट नहीं मिलते, इसीलिए उनको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा गया था। स्टार्टिंग में सही मोटिव था इसका, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल ज्यादा बन गया। तो मंडल रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि 52% जो पॉपुलेशन है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की, ओके, उसमें 27% दोस्तों रिजर्वेशन देने को लेकर बोला गया, समझ गए मेरी बात, और 22% रिजर्वेशन ST और SC को देकर बोला गया। 1990 के अंदर VP सिंह की गवर्नमेंट आई और उन्होंने दोस्तों मंडल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन कर दिया। इसको चैलेंज भी किया गया कोर्ट में, काफी प्रोटेस्ट भी हुआ। आज के टाइम पे भी काफी इसको लेकर मुद्दा होता है कि क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है। मैं वापस से रिपीट करता हूं इस बात को कि कई लोग जो है इसको अपोज करते हैं, कई फेवर करते हैं, लेकिन एक सवाल अपने आप से हमेशा पूछिएगा कि रिजर्वेशन वो सोशल ग्राउंड के ऊपर है, इकोनॉमिकल ग्राउंड के ऊपर नहीं है, पहली बात तो सोशल ग्राउंड के ऊपर है, यानी कि सोसाइटी के मद्देनजर रखते हुए रिजर्वेशन बनाया गया है। जिस दिन सोसाइटी में जनरल कास्ट और बाकी सबकी ये सोच हो जाएगी कि यस वो अपनी शादी जो है वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर या फिर ST SC में या फिर लड़के की या लड़की की, जिस दिन अपर सेक्शन इसको एक्सेप्ट कर लेगी कि यस हमारे लिए सब इक्वल है और हम हमारे बेटी की या फिर बेटे की शादी इजीली किसी भी ST SC ग्राउंड में कर सकते हैं, उस दिन यकीन मानिए ये जो सोसाइटी के पैरामीटर्स है वो खत्म हो जाएंगे। जब तक अपर सेक्शन इस सोच को नहीं रखेगा तब तक ये रिजर्वेशन हमेशा लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमेशा फेवर करेगा ही करेगा, क्योंकि जब तक आप मेंटेलिटी नहीं बदलोगे तब तक ये रिजर्वेशन ऊपर हटेगा नहीं, सिंपल सा क्राइटेरिया है, क्योंकि ये सोशल ग्राउंड के ऊपर रखा गया है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि क्या आप एग्री करते हैं जनरल होके अपनी बेटी की या फिर अपनी बहन की शादी ST SC में करवाने को लेकर। अगर आपका जवाब यस है तो इसका मतलब डेफिनेटली रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और नो है तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं बायस्ड है और आप रिजर्वेशन को जो है प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है, मुझे लगता है जब सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी तब रिजर्वेशन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया कभी, बिकॉज उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो धीरे धीरे चीजें बदलती है और आप ही लोगों को सबको मिलकर है जो कि बदलनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि और उस टाइम पे इंदिरा शौनी केस जो हुआ था तो 6-3 वर्डिक्ट से दोस्तों ये डिलीवर जस्टिस है जो कि डिलीवर किया गया था। इसको इंदिरा शौनी जजमेंट है दोस्तों जो कि कहा जाता है। इसमें रूलिंग में दोस्तों ये बोला गया था कि मैक्सिमम सोशल ग्राउंड पे आप 50% कैप है जो कि रिजर्वेशन को लेकर लगाई गई है, समझ गए, और 50% जो है वो जनरल है। जनरल का मतलब ये नहीं होता, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरल का मतलब ये नहीं होता कि अदर देन द ST SC OBC, जनरल का मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, समझ गए। तो यानी कि जनरल में सभी लोग आ जाते हैं, ST SC OBC जो भी आपके सारे के सारे। जनरल का मतलब ये नहीं होता कि अदर देन द ST SC OBC, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जनरल का मतलब ये होता है कि सारे लोग हैं उसके अंदर, वो ओपन प्लेटफॉर्म है,
समझ गए? तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार जनरल में तो जनरल की होनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो जनरल का मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, वो जनरल है। जनरल डब्बे का मतलब क्या होता है? कोई भी आ सकता है उसके अंदर, कोई रिजर्वेशन नहीं होता उसके अंदर, तो यही होता है वो जनरल 50%। ठीक है गाइज, लेकिन अभी हमारे देश को जरूरत है कि रिजर्वेशन से थोड़ा ऊपर उठे, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी जो है वो प्रमोट की जाए, और रिजर्वेशन को हटा के जो टैलेंट है उसके ऊपर जो है हमारे देश को आगे लेके जाया जाए, समझ गए? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो टैलेंटेड लोग हैं उनके हाथ में भागदौड़ होनी चाहिए, और नंबर हो चाहे फिर आपके कोई क्राइटेरिया हो किसी भी तरीके से, लेकिन वो तो चीज़ तभी पॉसिबल है तब सभी लोग है इक्वलिटी को प्रमोट करें। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये जो मैं आपको बातें बोलता हूँ ना, ये बातें आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, ये आपकी सोच बिल्डअप करती है। अगर आप कोई यूपीएससी का या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए पॉइंट बनाने में बहुत काम आता है, एडवांटेज के तौर पर और डिसएडवांटेज के तौर पर। जैसे कि मैंने एडवांटेज भी बताया आपको कि अगर हमारा टैलेंट प्रमोट होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, मैंने डिसएडवांटेज भी बताया कि इक्वलिटी नहीं होगी तो ये चीज़ें हमेशा रहेगी, दोनों बातें। चलिए ठीक है गाइज, तो ये वाली बात हो चुकी है। ये सारे के सारे जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है उसका हजार बातों की एक बात मैंने आपको बता दी कि 50% कैप है जो कि लगाई गई थी। अब जब ये वाली बात आई थी कि यार ये 50% से ऊपर जनरल कैटेगरी को जो है ना ईडब्ल्यूएस वाला जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% कैसे दे दिया गया, तो ये इसलिए ग्राउंड के ऊपर देखिए दिया गया था क्योंकि ये इकोनॉमिकल था। हमारे सोसाइटी में जो रिजर्वेशन है वो सोशल ग्राउंड के ऊपर है, 50% सोशल वाले के ऊपर है। तो मोदी जी ने क्या ट्रम्प कार्ड खेला था कि सब ये लोग बोलते हैं भाई रिजर्वेशन हटाओ, तो गवर्नमेंट ने बोला देखो रिजर्वेशन तो हम हटा नहीं सकते वरना हमारा वोट बैंक चले जाएगा, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम जनरल कैटेगरी को ही जो है ब्राह्मण और बाकी जो क्षत्रिय जो मतलब है ना बाकी जो कास्ट है जनरल कास्ट जो है उनको हम लोग क्यों ना रिजर्वेशन देते इकोनॉमिकल बेसिस पे। तो उन्होंने 10% वाला क्या कर दिया, कोटा बना दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी पास हो गया क्योंकि ये इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर था। अरे भाई जरूरी थोड़ी ना कि कोई ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता, वो भी तो हो सकता है, तो उसको फायदा मिलना चाहिए इकोनॉमिकल ग्राउंड के ऊपर। हालांकि इसके अंदर लिमिट जो है वो 8 लाख रुपए की रख दी गई जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब 8 लाख में तो बहुत बहुत बड़े ऑफिसर भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी आ जाते हैं, है ना, तो मेजरली जनरल कैटेगरीज में आई गई। ठीक है, तो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, समझ गए? तो दोनों को आप कोरिलेट नहीं कर सकते, वो सोशल ग्राउंड पे था और ये वाला 10% इकोनॉमिकल ग्राउंड के ऊपर था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारे दोस्तों थर्ड वेव को लेकर। सेकंड वेव आपको मालूम है दोस्तों हालत खराब कर रखी है हमारे देश के अंदर, दुनिया में सेकंड नंबर के हाईएस्ट केसेस पहुंच चुके हैं, थर्ड नंबर की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ हमारे यहाँ पे हुई है इंडिया में, और सेकेंड वेव के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग जो एपी सेंटर पूरी दुनिया में बन रहा है वो हमारा कंट्री है जो कि बन रहा है। तो सेकेंड वेव के बाद में दोस्तों प्रिंसिपल चीफ एडवाइजर जो है हमारे यहाँ पे विजय राघवन जी, उनके द्वारा बोला गया है कि हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि वायरस का जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है और थर्ड वेव को हम लोग इनइविटेबल का मतलब होता है जिसको रोका नहीं जा सकता, तो थर्ड वेव भी हमारे यहाँ पे आएगी तो हमें वैक्सीनेशन जो है वो ज्यादा जो है वो करना चाहिए। ठीक है ज्यादा करना चाहिए और उसके जो सिक्वेंसिंग है वो भी करनी चाहिए ताकि हम पता कर सके कि आगे हमें क्या करना है। ओके गाइस, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आरबीआई को लेकर। रिसेंटली दोस्तों इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गई है बिकॉज ऑफ द सेकेंड कोविड वेव की वजह से, तो आरबीआई ने भी दोस्तों एक स्टेप लिया है और मेजर लिया है कि वो भी हेल्प करेगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को थोड़ा सा बेटर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने को लेकर। तो उन्होंने हेल्थ केयर जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विसेज है, जो ऐसी कंपनी जिनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस की कंडीशन है आज के टाइम पे, तो उनको दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है जो कि शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया है। 3 साल के लिए लोन है जो कि ले सकते हैं और वो भी रेपो रेट के ऊपर, समझ गए? रेपो रेट वो रेट है जिससे आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए, समझ गए? तो ये 4-5% के आसपास है जो कि चलती है, मेरे ख्याल से अभी तो 4 के भी नीचे पहुंच गई है, समझ गए? तो यहाँ पे किसको पैसा दिया जाएगा, जो भी ऐसे पैथोलॉजी लैब है, हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, मेडिकल डिवाइसेज बनाने वाले लोग हैं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बनाने वाले लॉजिस्टिक फर्म है जिनके पास में फंड की कमी है लेकिन वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनको ये हेल्प है जो कि दिए जा रही है और इन सबको कैटेगरी में डाला जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर डाला जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर वैसे हमारे नॉर्मली बैंकों के नाम, बैंकों की डेफिनेशन में एग्रीकल्चर होता है, एमएसएमईज होती है, लेकिन यहाँ पे इनको भी इंक्लूड है जो कि इस बार किया जा रहा है। ठीक है गाइज, यहाँ पे अभिषेक ने बोला है कि सर गवर्नमेंट खुद एसटी एससी को लोअर कास्ट समझती है तो जनता कैसे समझेगी। बात बिल्कुल सही है अभिषेक, ये एक ऐसा मुद्दा है मतलब
जिसको रिजॉल्व करने के लिए देश के लोगों को मतलब उल्टी गणित चलानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के तो से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट कभी इक्वलिटी की बात करेगी। इक्वलिटी की बात करती तो ये सी डबल ए जैसे मुद्दे किसी देश में आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है। तो वही वाली बात है। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को ही धीरे धीरे अपने एजुकेशन के लेवल को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, लोगों की सोच में जो है बदलाव लाना पड़ेगा। ओके, तब जाके ही चीज़ें हैं जो कि इम्प्रोवाइज हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इसको। और भी अगर इसको लेकर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं कमेंट का आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है गाइस, तो ये 50,000 करोड़ रुपए ध्यान रखिएगा, पेपर में जो है ये पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड रिलेटेड स्ट्रेस असेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 को अनाउंस किया गया है। जो भी एमएसएमई जो है ना उनके लोन को रीस्ट्रक्चर है जो कि किया जाएगा, समझ गए, 25 करोड़ रुपए तक उनको लोन है जो कि दिया जा रहा है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर उन्होंने नहीं लिया है तो रूल्स जो है वो रिलैक्स कर दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। केवाईसी जो कंप्लायंसेस है उनको वीडियो के थ्रू करा जा रहा है ताकि पर्सनली जाने की जरूरत ना पड़े। आरबीआई ने सेकंड परचेज जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है वो भी करके उनको लिक्विड मनी जो है वो दी जा रही है। लिक्विड मनी मतलब कैश मनी जो है वो दी जा रही है ताकि मार्केट में चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 13। यहां पे जो हम लोग बात करेंगे वो कनाडा को लेकर बात करेंगे। ठीक है गाइस, फेसबुक ने जो ट्रंप भाई साहब का जो बैन है उसको अभी और आगे है जो कि बढ़ाया है। ट्रंप का जो है अकाउंट ही सस्पेंड, मतलब कभी सोचा था कि हमने कि यार यूएस प्रेसिडेंट कितना पावरफुल होता है, पूरी दुनिया चलाता है, उस आदमी का फेसबुक अकाउंट बैन कर देगा और कोई वापस से एक्टिव भी नहीं करेगा। मतलब ट्विटर ने सबसे पहले स्टार्ट किया, ट्विटर के बाद फेसबुक ने भी कर दिया और अभी तक बैन कर रखा है। बहुत ही अजीब, बहुत ही बेइज्जती कराई है मतलब। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करी गई है, इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ बिल्कुल यार एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, ये यूरोपियन यूनियन वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों क्या कर दिया, प्लान कर लिया है कि वो चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है ना उसको कम करेंगे। आपको मालूम है चाइना के ऊपर आज पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, कोई सा भी कंट्री हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सारे कॉन्टिनेंट जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बन चुके हैं। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं कि चाइना से पीछा छुड़ा लिया जाए, लेकिन ज्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है वो उस स्पीड से काम ही नहीं कर पा रहे। हमारे पास बहुत अच्छा मौका था जब कोविड की फर्स्ट वेव थी, हम हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज करके चाइना को मतलब एक साल के अंदर इतना अच्छा करके हम काफी कंपनीज को हमारे यहाँ पे बुला सकते थे, लेकिन हमने हमारा ध्यान पूरा का पूरा इलेक्शन पे रहा तो हम लोग जो है ऊपर जाने के बजाय नीचे और चले गए। तो अभी यूरोपियन यूनियन भी दोस्तों क्या कर रहा है, आपको मालूम है इसका फायदा जो है ना चाइना के ऊपर जो इनकम्बेंसी हो रही है, जो लोग पीछे खींच रहे हैं, इसका बहुत फायदा उठाया है कंबोडिया ने, थाईलैंड ने, वियतनाम ने, इंडोनेशिया ने, इन कंट्रीज ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो वहां से अपने वहां पे लगा ली है। इनफैक्ट बांग्लादेश भी जो है वो टेक्सटाइल के अंदर हमसे आगे निकल गया है। क्यों निकल गया है भाई, क्योंकि उसने इस चीज का फायदा उठाया कि जो कंपनी वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह ढूंढ रही है वहां पे उनको चीप लेबर दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, इंसेंटिव दे दो और वहां पे उनको एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में लॉन्च करवा दो। ठीक है, तो इस चीज को लेकर तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, वेनेसडे को बोला है कि हम लोग हमारी डिपेंडेंसी जो है वो चाइनीज के ऊपर जो है वो कम करेंगे 6 स्ट्रेटेजिक एरियाज के अंदर। एक तो रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, इन सब को लेकर 317 ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि 27 देशों के इस ब्लॉक ने अर्जेंसी के तौर पर दोस्तों लिया है। और अगर यूरोपियन यूनियन फैसला ले रहा है तो इसके बहुत बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि अगर चाइना के ऊपर इनका डिपेंडेंस कम हुआ तो यकीन मानिए यूरोपियन यूनियन जो है कहीं ना कहीं तो और अपना बिजनेस है जो कि लेके जाएगा, उसका फायदा इंडिया को मिल सकता है या फिर एशियन कंट्रीज को मिल सकता है। अब देखना यह है कि कौन है जो कि इसका फायदा उठाएगा, समझिए, क्योंकि कंजप्शन तो होगा ही होगा सामान का, अब कौन उनको देगा ये देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों, अगर मैं बिजनेस की बात करूं दोनों देशों के बीच में, तो 2018 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ में जो बिजनेस किया है ना उसमें 185 यूरो का घाटा है जो कि खाया है। सोचिए 185 बिलियन यूरो का कितना बड़ा अमाउंट है, 185 बिलियन यूरो दोस्तों ज्यादा जो है उसको नुकसान हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं ईयू ने जो एक्सपोर्ट किया चाइना को वो 210 बिलियन डॉलर का यूरो का किया, और जो चाइना ने और जो इंपोर्ट करवाया चाइना से वो 400 बिलियन यूरो के आसपास करवाया। तो जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो बहुत ही भारी है, 2018 का नंबर ही है। 2019 की बात करूं
तो थोड़ा सा कम किया उन्होंने, 164 बिलियन यूरो का ट्रेड डेफिशिएंट देखने को मिला, वापस देखिए 362 बिलियन का इंपोर्ट करवाया और एक्सपोर्ट का नियर बाय 200 बिलियन यूरो के आसपास ही है जो कि करवा पाया। तो बहुत बड़ा डेफिशिएंट है यहाँ पे, चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं हमारे देश की और यूरोपियन यूनियन की बात करूं, ये देखिए है ना, 2013 के बाद से ऐसे ही चल रहा है। पिछले 10 सालों में चाइना ने बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर तरक्की करी है एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये देखिए एक्सपोर्ट कितना खतरनाक है और इंपोर्ट कितना ज्यादा कम है चाइना का। उसी प्रकार से अगर मैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड बैलेंस की बात करूं तो हमारा ट्रेड बैलेंस दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर है ट्रेड डेफिशिएंट। आप देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल इक्वल वाले नंबर के आसपास है। 45 बिलियन यूरो का तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन इंडिया को 45 बिलियन डॉलर का बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कितना करवा रहा है, 45.8 बिलियन यूरो का इंपोर्ट करवा रहा है। तो जो ट्रेड डेफिशिएंट है वो बहुत ही कम है, 2018 का नंबर है। अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 के अंदर जो एक्सपोर्ट किया वो किया 38 बिलियन डॉलर, समझ गए, इंडिया को एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट कितना करवाया 39 का। तो ट्रेड डेफिशिएंट हमारा 1.4 बिलियन यूरो का हुआ, तो यानी कि 2 बिलियन यूरो है जो कि हम लोग कमा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड करके। वही चाइना मतलब 150 बिलियन यूरो है जो कि कमा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ में क्या करके, ट्रेड करके। तो हमें इसको इंप्रोवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको हमें 100 पे लेके आना है, 100 बिलियन यूरो पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। ठीक है, ये आप देखिए हम लोग जो इंपोर्ट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट जो है हम लोग कम कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं कनाडा को लेकर। कनाडा का जो हेल्थ रेगुलेटर है उन्होंने ऑथोराइज कर दिया फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को कि वो 12 साल और उससे लोगों के बड़े बच्चों के ऊपर भी वैक्सीनेशन है जो कि कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुप्रिया शर्मा दोस्तों जो कि चीफ मेडिकल एडवाइजर है हेल्थ कनाडा की, आप देख सकते हैं इंडियन है, तो वेनेसडे को उन्होंने कंफर्म किया, डिसीजन दिया कि 12 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनको भी दोस्तों नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वैक्सीनेशन है जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। ओके गाइस, तो पहले तो प्रायोरिटी यहाँ पे 16 साल प्लस है और साथ में फिर 12 साल वाले को भी किया जा रहा है। ओके, पहला कंट्री है जो कि नियर बन चुका है, मतलब क्या बोलते हैं कनाडा और अमेरिका, जो कि 12 साल एंड अबव वाले बच्चों को भी फाइजर की वैक्सीन है जो कि लगा रहा है। ठीक है गाइस, 2000 यूएस के जो वॉलंटियर है 12 साल से 15 साल के, उनके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट है जो कि किया गया था और उसके रिजल्ट है जो कि यहाँ पे आ गए हैं। ओके गाइस, चलिए तो आप देख सकते हैं मतलब कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार जीने मरने की तो हमारे हाथ में कहाँ पर है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप समझने की कोशिश करिए छोटी सी बात को कि क्या ऊपर वाला दुनिया के 193 कंट्रीज में से 3 ही देशों के ऊपर सबसे ज्यादा खफा है क्या, या उसने ऊपर वाले ने सोच लिया है कि मुझे 3 देशों को ही टारगेट करना है सबसे ज्यादा। दुनिया में जो सबसे ज्यादा मौतें हुई है वो यूएसए में, इंडिया में और आपके ब्राजील के अंदर हुई है। ओके, 3 मिलियन में से 1 मिलियन मौतें तो 3 देशों में हुई है, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाला इन 3 देशों से ही खफा है। ओके, और दुनिया के बाकी देश है जो है यूरोप, जो नॉर्वे, जो बाकी जो देश है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसराइल है, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ की अगर डेंसिटी के हिसाब से भी अगर आप निकालोगे ना रेशो, तो वहाँ पे बहुत कम मौतें हैं कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो, समझ गए मेरी बात। तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाला हमसे ही खफा है, बाकी सबसे बहुत खुश है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जो डेथ हो रही है, ये ह्यूमन एरर है, ये ह्यूमन की एरर नहीं बोलूंगा मैं इसको, बोलूंगा ये ह्यूमन फॉल्ट है कि हमने हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर, या अमेरिका के अंदर भी आपको मालूम है इतनी खतरनाक वेव आई कि वहां पर भी उनको संभालने में बहुत दिक्कत हुई। और यूएसए का जो नंबर है वो रियल नंबर है, हमारा तो नंबर आपको मालूम ही है कि सच्चाई क्या है। अगर हमारा नंबर सच में सामने आ जाए कि हमारे यहाँ पे कितनी मौतें हुई है, तो मतलब पूरी दुनिया हिल जाए सच में, समझ गए, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया को बायकॉट कर दे WHO से लेकर सब, कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब इतनी रियलिटी है, मतलब इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन है हमारे यहाँ पे। कोई भी स्टेट अगर 10 डेथ हो रही है ना, तो वो एक ही डेथ है जो कि बता रहा है, रियल नंबर नहीं है हमारे यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है पेज नंबर 14 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे IDBI को लेकर। IDBI बैंक ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे बताया गया है। आपको मालूम है दोस्तों अभी रिसेंटली जब बजट आया था तब ये बोला गया था कि हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है गाइस, हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट से 1.75 लाख करोड़ है जो कि जो है वो हम लोग अर्न करेंगे। तो इसी को लेकर दोस्तों सबसे पहले IDBI का नाम आया था, तो IDBI के अंदर दोस्तों 94% जो भी इक्विटी है ना वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और प्लस LIC की है, तो ये दोस्तों इसको बेची जा रही है। ओके गाइज, जिसके अंदर IDBI का LIC का जो कंट्रोल है
मैनेजमेंट कंट्रोल वो 49.2% के समवेयर है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल और पूरी कंपनी जो है वो दोनों चीजें हैं जो कि दी जाएगी। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर की जाती है, उन्होंने दोस्तों इसके बारे में जानकारी है जो कि कल दी है। ठीक है, इतनी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आईडीबीआई की बात करें, 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बॉम्बे में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है। एमआर कुमार चेयरपर्सन, राकेश शर्मा एमडी और सीईओ है। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं एलआईसी के इंश्योरेंस जो है ओनर जो है वो का है इसका। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों थर्ड वेव के बारे में बात बोली गई है, यहाँ पे मराठा को लेकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ओके, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो भी गुत्थम गुत्था हो रहा है आजकल। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे ममता दीदी ने शांति की अपील है जो कि करी है। ओके, और यहाँ पे सुशील कुमार के ऊपर भी दोस्तों एक मर्डर केस है जो कि लगा है। अभी कल के दिन पे क्या हुआ कि कई सारे रेसलर की आपस में लड़ाई हो गई और एक को गोली मार दी गई, तो सुशील कुमार भाई साहब भी इसके अंदर एफआईआर के अंदर उनका नाम है जो कि दर्ज किया गया है। दिल्ली के अंदर दोस्तों बहुत सारे देशों ने जो है वो हेल्प करी है। फ्रांस का ऑक्सीजन प्लांट है, यूएस का ऑक्सीमीटर है, बहुत सारे देशों के इक्विपमेंट है जो कि दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं और दिल्ली को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, जयशंकर जी की और जो इंडियन टीम है दोस्तों वो भी लंदन के अंदर अभी आइसोलेशन के अंदर पहुंच गई है। वो वहां पे मीटिंग के लिए गए थे कोविड-19 की वजह से, वो भी आइसोलेशन के अंदर है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इसराइल को लेकर, तो इसराइल के अंदर दोस्तों काफी सालों के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है वो जाने वाली है और जो अपोजिशन है वहां पे दोस्तों, ठीक है, तो अपोजिशन है लेपिड, तो वो वहां पे सरकार है जो कि बनाने वाला है। इनका नाम है यायर लेपिड। तो ये यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट है जो कि आप बनाएंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम दोस्तों नेतन्याहू गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी है जो कि यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाई है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट है जो कि यहाँ पे दिया गया। कल का लास्ट डे था जब नेतन्याहू को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी थी, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाए। तो काफी सालों के बाद में दोस्तों अब यहां से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जाने वाली है। ठीक है गाइज, पिछले 12 साल बाद में ऐसा हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता यहाँ पे खोने वाले हैं। ठीक है, इसराइल की बात करें तो जेरूसलम आपको मालूम है कैपिटल है, हिब्रू है जो कि यहाँ पे भाषा चलती है, और शेकल है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। बहुत ही खतरनाक कंट्री है, मेडिटेरियन सी से जस्ट अटैच ही है, और आसपास लेबनान, सीरिया, ये सारे के सारे कंट्रीज है जो कि बाजू में है। आगे बात करते हैं एलन मस्क को लेकर, स्पेस एज को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों आज के टाइम पे कुछ कंपनी है जैसे कि अमेजन की हुई ब्लू ओरिजन नाम से, और साथ में एलन मस्क की स्पेस एक्स, और भी कई सारी कंपनी है जो कि एक तरीके से स्पेस एज की दौड़ में बहुत तेजी से आगे है जो कि भाग रही है। ठीक है गाइज, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। चलिए, तो स्पेस एक्स ने दोस्तों क्या किया है, 5 लाख प्री ऑर्डर है दोस्तों जो कि बुक कर लिए स्टार लिंक के। अब ये स्टार लिंक क्या है, ये एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टार लिंक सर्विसेज। ओके, ये क्या है, इंटरनेट अवेलेबल करवाएगी। इन्होंने सैटेलाइट ऊपर छोड़ी है और 12,000 सैटेलाइट है जो कि ये स्पेस में छोड़ने वाले। 12,000 छोटी छोटी सैटेलाइट है, बड़ी नहीं है लेकिन 12,000 है, समझ गए। तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। ओके, तो इनको प्री ऑर्डर मिलने लगे सैटेलाइट के सर्विसेज के लिए, और 5 लाख प्री ऑर्डर है जो कि मिल गए हैं, समझ गए मेरी बात। बहुत ही खतरनाक लेवल के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक और जो कि हमारे किस चीज को लेकर है, हमारे ड्रोन ड्रिल डिलीवरी को लेकर है। आपको मालूम है दुनिया में कई देशों के अंदर दोस्तों ड्रोन से जो है वो डिलीवरी करी जाती है। अमेजन जो है वो अमेरिका में, और कई देशों के अंदर जो है वो ड्रोन से डिलीवरी कर रहा है सामान की। अब हमारे देश में भी इसका अप्रूवल मिल चुका है, आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों अप्रूवल दिया है 20 ऐसी एंटिटीज को जो कि फ्लाई कर सकती है ड्रोन बियॉन्ड द ऑपरेटर लाइन ऑफ साइट एज ए सर्ज इन कोविड इन्फेक्शन। कोविड इन्फेक्शन में फिजिकल जो है डिलीवरी करना भी काफी डेंजरस हो गया है आज के टाइम पे। तो इसीलिए दोस्तों क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी को लेकर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो साउथ दिल्ली के अंदर जो है, साउथ दिल्ली से सेंटर दिल्ली के अंदर जो है वो डिलीवरी करनी है, तो क्या होगा, ड्रोन के द्वारा डिलीवरी है जो कि करी जाएगी। इसके अंदर स्पाइसजेट और डेंजो एयर कंसोर्टियम, स्काईलार्क ड्रोन एंड स्विगी, ओके, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं मतलब, और एक एरोस्पेस करके जो कि रिलायंस के द्वारा ओन करी जाती है, 4-5 कंपनियां, नाम आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक तो स्पाइसजेट है, एक डेंजो है, एक स्काईलार्क करके है, ओके, एक स्विगी है,
एक आपका एस्टेरिया एरोस्पेस है जो कि रिलायंस के द्वारा ओन करी जाती है। तो ये चार पांच कंपनी है मेजर मतलब इन कंपनी को मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ड्रोन फ्लाइट है जो कि अलाउ कर दी गई है, अप्रूवल दे दिया गया है, एक साल के अंदर मतलब ये अप्रूवल है जो कि वैलिड रहेगा, समझ गए। अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में डिलीवरी कैसे होगी, हमारे यहाँ पे इतने तारों का जंजाल है कि कैसे डिलीवरी कर पाओगे, और बच्चे इतने शैतान है कि ड्रोन देखे कि पत्थर मार के उसको गिराने की होड़ नहीं लग जाए उनके बीच में कहीं। तो इसके लिए दोस्तों सरकार ने जो है वो तरीका निकाला है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक पाथ बनाया जा रहा है, समझ गए, एक क्या बनाया जा रहा है, एक कंपनीज अपना एक पूरी अलग तरीके से एक पूरा का पूरा डिलीवरी आप बोल सकते हैं एक पाथवे बना रहे हैं कि भाई इस एरिया के अंदर तार कम है, इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम कम है, तो इस एरिया के अंदर आप लिमिटेड एरिया में डिलीवरी कर सकते हो, समझ गए। तो जहां पे ज्यादा तारों का जंजाल ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उस एरिया के अंदर एक पाथवे बना के सेल पहले पता किया जाएगा कि कहां पे लग कर सकते हैं, और फिर वहीं पर ही सबसे पहले स्टार्टिंग करी जाएगी। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि जो लाइन है आपकी वो अंडरग्राउंड कर दी जाए, या फिर उस एरिया में डिलीवरी अलाउ नहीं करी जाए। ओके, तो मेजर सिटीज का जो पॉश एरिया है ना वहीं पर ही अलाउ हो सकती है, जहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इससे पहले अभी बीपीसीएल जो है ना उन्होंने भी दोस्तों क्या किया था, ड्रोन के द्वारा अपने जो पूरा कैंपस है उसकी जांच करी थी कि कोई भी वर्कर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बीपीसीएल ने भी अभी रिसेंटली जो है इसका एक डेमो है जो कि करके दिखाया था कि ड्रोन को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, समझ गए। तो ऐप के द्वारा डिलीवरी करी जाएगी और देखते हैं मतलब आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा। चलिए ठीक है गाइस, बाकी काफी इंटरेस्टिंग बात है मतलब ये ठीक है। और ये देखिए 2021 तक एक कॉरिडोर है जो कि बनाने को लेकर बोला जा रहा है, 2019 के अंदर बातचीत हुई थी, 2021 तक ये कॉरिडोर बनाएंगे, और 2023 से मतलब कोई भी सामान की डिलीवरी जो है उसको ओपन है जो कि करने को लेकर बोला जा रहा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता की बात करें तो कल दोस्तों हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा केसेस है जो कि पहुंच गए। देखो भाई केसेस कितने भी पहुंचे हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिविटी जो है वो मेंटेन रखनी है। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ में आप डिस्कशन करते हो, तो पॉजिटिव चीजों को शेयर करो, है ना, उनसे हालचाल पूछो, जो लोग सही हो गए हैं, जो बुजुर्ग लोग सही हो गए हैं, तो मोटिवेशन वाली चीजें जो कि उनको भेजो, ताकि थोड़ा सा जो है उनका मोटिवेशन ऊपर है, क्योंकि हर दूसरे में से एक घर के अंदर आजकल कोविड के केसेस मिल रहे हैं। तो जब तक लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तब तक सही होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा जो है कोशिश करो नेगेटिव चीजों को ना भेजो, कितने लोग मर गए, क्या हो गया, कैसी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम शेयर करना जरूरी है, लेकिन आज के टाइम पे बात यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर एटलीस्ट आप पॉजिटिव चीजें शेयर करो, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि केसेस बहुत हैं, सबको मालूम है कि डेथ बहुत हो रही है, सबको मालूम है ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम अगर इसी को 10 बार बोलेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए मेरी बात। जरूरी क्या है कि हम थोड़ा पॉजिटिव नेचर रखें अभी, और अपने आपस में लोगों को साथ में थोड़ा कोऑर्डिनेशन करके थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स है जो कि उनको दे, उसी से थोड़ी सी हिम्मत है जो कि लोगों को अभी मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कुछ अलग हो। और यहाँ पे एक देखिए, बैंगलोर में एक ऑस्ट्रेलियन फंस गया था, उसने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे केस कर दिया, मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी ये बोला था कि हम किसी भी देश में दुनिया में से किसी को भी हमारे कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही क्यों ना हो। तो एक भाई साहब बैंगलोर में फंस गए, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन, वो उन्होंने बोला आपकी मेरे को बुला क्यों रही, ये तो गलत बात है, सिडनी के अंदर केस ठोक डाला गवर्नमेंट के खिलाफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। चलिए आगे बात करते हैं जो कि अपन बात करेंगे सूत्रा मॉडल को लेकर। अब आप बोलोगे सर ये सूत्रा मॉडल क्या आ गया है, ये तो बहुत ही कोई खतरनाक मॉडल होगा जिससे हम कोविड से बच सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है। कई सारे ऐसे इमिनेंट साइंटिस्ट ने दोस्तों गवर्नमेंट के इस सूत्रा मॉडल को ये आरोप इसके ऊपर ही आरोप लगाया है कि यही गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी थी जिसकी वजह से केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कई सारे साइंटिस्ट ने दोस्तों ब्लेम किया है गवर्नमेंट के इस मॉडल को जिसका नाम है सूत्रा मॉडल। सूत्रा का मतलब क्या था कि ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड एंड रिमूव्ड, ये एक अप्रोच है जो कि सरकार के द्वारा अपनाई गई थी, एक मॉडल बनाया गया था जिसके द्वारा ये क्या कर रहे थे, ये पता कर रहे थे कि भाई हम कैसे इस कोविड को रोक सकते हैं। इन्होंने सेकेंड वेव के बारे में सोचा ही नहीं, इस मॉडल ने पूरी तरीके से नकार दिया था सेकेंड, यहां तक कि मोदी जी भी जो है एक बार आपको मालूम है कॉन्फ्रेंस में मन की बात में आके बोल रहे थे कि दुनिया में को ऐसे बोल रही थी कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सेकंड वेव आएगी, हमने देखो सब कुछ सही कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, है ना, ये फर्स्ट वेव के जाने के बाद की बात थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, और अब देखिए उन बातों का हाल।
तो ये जो इसका कारण बताया गया वो कई सारे साइंटिस्ट ने सूत्रा मॉडल को दोस्तों बताया गया है, समझ गए। तो सेकंड वेव दोस्तों अप्रैल 2021 से जो है वो स्टार्ट हुई और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की मृत्यु है जो कि अभी तक हो चुकी है। साइंटिस्ट कई सारे IIT कानपुर के, हैदराबाद के, ठीक है, उन्होंने दोस्तों जो है ये ग्राफ है जो कि प्रिडिक्ट किया था और उन्होंने इसको लेकर बोला था। ये एक्चुअली में जो मॉडल है वो 3 मेन पैरामीटर के ऊपर बनाया गया था। सबसे पहले तो बीटा, जिसके अंदर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट रेट, कि कॉन्टैक्ट रेट कितनी होगी, जिसको RO वैल्यू बोली गई थी। हमने पढ़ा भी था पहले, गवर्नमेंट बार बार RO वैल्यू के बारे में बात कर रही थी। तो RO वैल्यू क्या होती है, कि एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्टेड है जो कि कर सकता है। दूसरी बात करी गई रीच को लेकर, कि कितनी इसकी रीच होगी। और तीसरी बात करी गई एप्लीसॉन को लेकर, कि रेशियो डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड केसेस का कितना होगा। तो इन तीनों पैरामीटर के ऊपर दोस्तों ये डाटा है जो कि बनाया गया था। प्रॉब्लम क्या थी सूत्रा के साथ में, वेरिएबिलिटी। सबसे पहली बात तो इसमें वेरिएबिलिटी को लेकर दोस्तों बातचीत नहीं करी गई, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैरामीटर है जो कि इंक्लूड कर लिए गए। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो सक्सेसफुली जिन्होंने क्या किया है, कोविड को रोका है, समझ गए, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज है, तो उनके मॉडल भी हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते थे, अगर हमें यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो। अच्छी बात है, हमें खुद का इनोवेशन करना चाहिए, लेकिन उसको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए कि अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो फिर हमें चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा बिहेवियर जो कि वायरस का इग्नोर किया गया उसमें, और रीजन जो है वो चेंज के इसके अंदर इग्नोर करे गए, तो कई सारे दोस्तों पैरामीटर इसके अंदर हटाए गए, उसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आगे बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, छोटी सी शिप है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, मतलब इसका नाम है मे फ्लावर 400। वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है दोस्तों जो कि बनाई गई है। कई सारे टीम ऑफ रिसर्चर ने दोस्तों मरीन रिसर्च करी और IBM के साथ में कोलैबोरेशन किया और वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप मे फ्लावर 400 है जो कि बनाई है। 15 मीटर लॉन्ग है दोस्तों और कंप्लीटली इंटेलिजेंस के ऊपर है जो कि चल रही है। इसके ऊपर मतलब कई सारे ऐसे पैनल लगाए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सोलर पैनल भी दोस्तों इसके ऊपर यूज करे गए हैं। इंडिया, USA, स्विट्जरलैंड, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन है जो कि किया है, समझ गए। इंडिया भी, हमारे भी, हमने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है गाइज। तो आप देख सकते हैं वन ऑफ द पार्टनर एट IBM इन्फॉर्म दैट द प्रोजेक्ट जो है वो 10 टाइम ज्यादा कॉस्टलियर है जो कि प्रोमेयर के द्वारा किया गया था, जो कि ग्लोबल एफर्ट था। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं स्मार्ट कैप्टन है, 6 हाईटेक कैमराज लगे हुए, रडार है इसके अंदर, ऑडियो डाटा है, ये किसी से भिड़ने से बचाएगा। ओके, मरीन एनिमल को पता कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, सारी चीजें जो कि ये कर सकता है। व्हेल्स को ये सुन भी सकता है, समझ गए, ऑल्सो लिसन टू व्हेल्स विद ए सेल्फ एक्टिवेटिंग हाइड्रोफोन। और रिसेंटली अभी यहाँ पे इसको ट्रेन है जो कि किया जा रहा है, इसको 50 मीटर हाई वेव जो होती ना उससे ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है गाइज। चलिए, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, सेल एंटर्स 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म लिस्ट। तो इंडिया की जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है ना, उसके अंदर दोस्तों सेल भी जो है वो इंक्लूड हो गई है। सेल की जो अभी मार्केट वैल्यू जो बताई गई है वो $10 बिलियन की बताई गई है, इसलिए टॉप 100 के अंदर दोस्तों ये पहुंच चुका है। ओके, रूरकेला के अंदर, भिलाई में, दुर्गापुर में, बोरकनो में इनके स्टील प्लांट है जो कि जबरदस्त काम है जो कि करते हैं। इनके जो स्टॉक्स है अभी वो 85% है जो कि 6 वीक के अंदर बढ़ गए हैं, इसकी वजह से दोस्तों इनकी वैल्यूएशन भी काफी बढ़ गई है, ठीक है गाइज। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड, 4 राज्यों के अंदर इनके प्लांट है जो कि देखने को मिलेंगे। सेल की बात की जाए तो जितने भी PSU है दोस्तों, जो कि इंडिया के सबसे बेस्ट PSU है, ये भला हो नेहरू जी का है ना, उस टाइम पे जब देश आजाद हुआ था तभी सारे IITs, IIM, AIIMS साथ में सारे PSUs ये उसी टाइम के बनाए हुए हैं। तो 19 बढ़िया हुआ, जाने से पहले कुछ अच्छा काम कर गए, मतलब वरना ये भी नहीं होते बेचारे। तो 1954 के मतलब कितना फर्क आ गया ना, देश के पहले प्रधानमंत्री वो विदेश से पढ़े हुए थे, बहुत ही टशनिक लेवल के प्रधानमंत्री थे है ना, मतलब एकदम इंग्लिश खतरनाक लेवल की है ना। और आज के प्रधानमंत्री दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम बाबा बने हुए एकदम, मतलब और ऊपर से दीदी, मतलब ऐसे जैसे जैसे गली के अंदर लड़के लड़की को छेड़ते हैं ऐसे स्टेटमेंट और देते हैं, मतलब तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का जो लेवल है वो डिग्रेड होता जा रहा है ऊपर से नीचे। चलिए आगे बात करते हैं, तो 19 जनवरी 1954 के अंदर दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और सोमा मंडल है दोस्तों जो कि चेयरपर्सन है।
तो देखो क्या होता है कि कई बार है ना, कई सारे पीएसयू के चेयरमैन पूछ लेते हैं। अब चेयरमैन वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं फेमस हुई हुई होती है। तो अभी सेल जो है वो फेमस है, टॉप 100 के अंदर आ गई है। अब 100 में आ गई है तो आप समझ सकते हैं कि चेयरमैन तो पूछा जा सकता है पेपर में। तो याद कर लीजिएगा, सोमा मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर है, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। ठीक है गाइस, स्टील के अंदर और स्टील के जो प्रोडक्ट है, वायर प्रोडक्ट है, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, इनकम आप देखोगे तो काफी अच्छी इनकम करते हैं, 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है जो कि है, ठीक है, जनरेट है जो कि करते हैं। ठीक है गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर है, 64% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में इसके शेयर्स हैं, और एम्प्लॉय देखिए 65,000 एम्प्लॉयज है इसके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में दोस्तों ये काम करती है। ठीक है, आज के दिन की इतिहास की बात करें तो आज 1944 के अंदर महात्मा गांधी जी लास्ट टाइम में दोस्तों जो कि जेल के दर्शन करके आए थे, उसके बाद में दोस्तों उन्होंने आगा खान पैलेस से पुणे के अंदर वहां पे दोस्तों लास्ट टाइम उनको जेल है जो कि हुई थी। गांधी जी ने दोस्तों अपने कम से कम 10 से 12 साल है जीवन के जो कि जेल के अंदर निकाल दिए थे। ठीक है, और आज सबसे ज्यादा गालियां भी बेचारे उनको ही पड़ती है। 1954 के अंदर रॉजर बैनिस्टर दोस्तों ऐसे पर्सन जिन्होंने 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर 4 मिनट के अंदर भाग गए, मतलब बहुत बड़ी बात है, 4 मिनट के अंदर 1.6 माइल्स को कवर कर, 1 माइल को कवर करना यानी कि 1.6 किलोमीटर को। ब्रिटिश एथलीट ने दोस्तों 3 मिनट और 59 सेकंड है जो कि ये देख सकते हो 1609 मीटर कवर करने में लगाए थे, समझ गए। आगे बात करते हैं 1589 के अंदर जो कि है तानसेन जी को लेकर। तानसेन आपको मालूम है दोस्तों प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हुआ करते थे, अकबर की कोर्ट के अंदर उनकी डेथ हुई थी आज के दिन 1589 के अंदर। ओके गाइस, उनकी ध्रुपद कंपोजिशन के लिए बहुत फेमस है, अपने राग के लिए बहुत फेमस है जो कि दोस्तों तानसेन रामतेन है जो कि माने जाते हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव लाइफ। देखिए जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, पेंडेमिक आया है, कंडीशन खराब है, मुझे मालूम है आपके रिश्तेदार में भी प्रॉब्लम होगी, डेली आपके पास में फोन आ रहे होंगे वेंटिलेटर को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर। मेरे पास दिन में 50 फोन आते हैं वेंटिलेटर को, हॉस्पिटल के, इतने क्लोज वंस, इतने स्टूडेंट, इतने वॉलंटियर्स, इतने ज्यादा लोगों के, और फिर भी कई बार ऐसा हेल्पलेस फील होता है, कई बार लगता है कि हेल्प नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील होता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप आज के टाइम पे मजबूती से वक्त निकालोगे तो यकीन मानिए इससे बुरा वक्त आपको जीवन में पेंडेमिक के तौर पे तो शायद देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अच्छी किताबें पढ़ रही है, अच्छी मूवीज देखिए, और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करिए, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखिए, समझ गए, अपने आप को बिजी रखिए। जितना बिजी रखोगे उतना ही आप इजीली जो है चीजों से निकल जाओगे। ठीक है गाइस, और अच्छी चीजों को शेयर करो, मोटिवेट करो यार। आप लोग 4,500 बच्चे मैं उम्मीद करता हूं ऐसे होंगे जो कि इस देश के अंदर सबसे मजबूत किस्म के लोग हैं, समझ गए, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर हम लोग बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, हर चीजें जो कि हम लोग शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, अप्रिसिएशन भी करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, फन फैक्ट की बात करते हैं। आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों, यूट्यूब जो कंपनी है जिसके ऊपर आज अपन लोग क्लास कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव वाइफ, पॉजिटिव वाइफ के बारे में बात कर रहा था एक बच्चा, यहाँ पे पॉजिटिव वाइफ के बारे में बात कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको वाइफ भी बहुत पॉजिटिव मिले, ठीक है। चलिए, वरना बिल गेट्स वाली कंडीशन ना हो जाए। 27 साल का रिलेशनशिप एक दोस्त के साथ में, एक दोस्त ने मेरे को बोला, एक मैसेज आया हुआ था एक दोस्त का, बोला कि यार 27 साल बाद में ब्रेकअप हो गया, पिछले साल तो बड़े खुश थे, तो बोला शायद 1 साल के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम करने के बाद ज़्यादा समझ गए मतलब, और ब्रेकअप हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। तो यूट्यूब की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वैलेंटाइन डे के ऊपर हुई थी, आपको मालूम है बात। यूट्यूब जो बनाया गया था ना, वो एक तरीके से डेटिंग ऐप बनाया गया था कि आप अपना वीडियो डालो, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ, कोई लड़की है वो भी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगी, आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे और आप मिल लोगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो YouTube की स्टार्ट हुआ था वो डेटिंग ऐप के तौर पे स्टार्ट हुआ था दोस्तों। यहाँ पे मेकअप के ट्यूटोरियल डाले जाते थे, टॉय के रिव्यू डाले जाते थे और म्यूजिक के वीडियो डाले जाते थे, समझ गए, और साथ में डेटिंग ऐप के लेकर दोस्तों इसको बनाया गया था। सबसे पहला वीडियो कौन सा था, जो कि जू के अंदर बनाया गया था करीम के द्वारा। तो आप सोचिए आज के टाइम पे YouTube ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन है जो कि ला दिया है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, घर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं पीडीएफ के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, प्रॉपर वीडियोस के साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस पे जाइए, रेफरल कोड लगाइए BHU10 या फिर BHU10, आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC, PCS, डिफेंस, IIT, नीट, PCS, इंडिया के किसी भी टॉप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 30+ एग्जाम की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है,
अगर आपको मुझसे जीके पढ़नी है तो आप एसएससी कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, जहां पे कंप्लीट जीके मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है गाइज, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ, और एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ का आपको फ्री मिलेगा। मेरे अलावा आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एसएससी का एग्जाम से आप अपने पुलिस के एग्जाम, आपके डिफेंस के एग्जाम, आपके पीसीएस तक के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पे एसएससी में जाइए, जो भी है यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी, गेट, कोई भी आपका एग्जाम है सेलेक्ट करिए, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, 12 महीने या 24 महीने का सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे रेफरल कोड पूछेगा तो BHU10 है जो कि आपको लगा के अप्लाई करना है, और यहाँ पे EMI के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark II के स्वदेशी विकास के लिए समर्थन दिया? Mark II। नेक्स्ट है प्रोमेयर ने दोस्तों वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो कि बनाया है, तो कौन सी कंपनी के साथ में बनाया है मिलकर, ये आपको बताना है। तीसरा सवाल है टर्नओवर दोस्तों सेल का एनुअल कितना है। नेक्स्ट है यहां पे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट दोस्तों कौन से बैंक का किया जा रहा है, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है कौन से देश के साथ में इंडिया ने MOU साइन किया है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लेकर। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। 10 बजे है अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लास, तो जीके की है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, फ्री क्लास है स्पेशल, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।